अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें हमने आपको ये बताया था कि सऊदी अरब में कैसे खाना काबा जैसा एक डिज़ाइन बना के उसके ऊपर वीडियोस चलाई गई और डांस वगैरह और नाचना गाना वगैरह वहाँ पे सरेआम होता रहा। तो अब ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सऊदी तेल के कुएँ तो निकाल गए, सऊदी पैसे तो खूब कमा गए, पर गैरत ख़त्म हो गई। सऊदियों ने बिल्डिंगें तो बड़ी बड़ी बना डाली, उन बिल्डिंगों को शानदार पेंट भी कर डाला, लेकिन अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, अपनी औलादों को उन्होंने रंग रोगन करके गैर मर्दों के आगे फेंक दिया कि जो मर्जी करो, जैसे उनके साथ मुंह काला करो या वो जैसे मुंह काला करती फिरें। इन लोगों के लिए, इन सऊदियों के लिए आज सबसे अहम चीज़ यही अय्याशियाँ बन चुकी हैं। इसी वजह से नतज बड़े ही ख़तरनाक बरामद हो रहे हैं। आज इसराइली ग़ुलाम आल सऊद मोहम्मद बिन सलमान जैसे लोग इस्लाम के अकदार और रवायात को भी खाक करते नज़र आ रहे हैं, उनकी धज्जियां बखेरते नज़र आ रहे हैं। और सऊदी जो के बड़े ख़ुद को गैरतमंद करार देते थे, आज वो अपनी बहनों बेटियों को इस तरह नचवाते नज़र आ रहे हैं। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब तुम हया खो दो तो जो जी चाहे वो करो। तो आज यही सब चीज़ें की जा रही हैं। और ये मत सोचिए कि ये सब सिर्फ सऊदी अरब में है, ये जिद्दतें पाकिस्तान में भी आ चुकी हैं। जिद्दत के नाम पे बेहयाई पाकिस्तान में भी आ चुकी है। आज पाकिस्तान में जितने डांस क्लब्स खुल चुके हैं, जैसे नाच नाच के मट्टी पलीद की जाती है हर मौका पे, यह हमारे लिए सोचने का मकाम है कि हमने अपनी इज्जतें कैसे बचानी है आने वाले वक्त में। वीडियो पर राय दीजिएगा। आज की वीडियो आगे भी ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।